सजन मेरो सृष्टि के रचयिता परमपिता परमेश्वर श्री हरि नारायण के दिव्य चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। नारायण सेवा संस्थान के प्रणेता निर्वाणी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पद्मश्री विभूषित साधु श्री कैलाश जी मानव साहब के दिव्य चरणारविंदों में सादर दंडवत प्रणाम। भागवत मर्मज्ञा परम पूज्य परम श्रद्धेया अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्व विख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता पूज्या जया किशोरी जी के दिव्य चरणारविंदों में हम सब सामूहिक दंडवत प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा दिव्य ज्ञान यज्ञ में प्रधारे हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जन माताओं बहनों के हृदय में विराजित राधा माधव की प्रतिमूर्ति को दंडवत प्रणाम करते हुए मैं यहाँ पर पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का और माताओं बहनों का सनातन धर्म संगठन और नारायण सेवा संस्थान परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत दिव्य ज्ञान गंगा साथ में समाहित है संस्थान की सेवा गंगा और राम नाम की ये करुणा गंगा। ये त्रिवेणी संगम हमारे संपूर्ण विश्व का गौरव, मिथिला की ये पुण्यमयी भूमि, ग्राम कमराइन, जिला समस्तीपुर के इस दिव्य प्रांगण में किया जा रहा है। कथा के माध्यम से सनातन धर्म संगठन के प्रयासों के द्वारा पीड़ित मानवता को उसके कष्टों से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। आइए हम इस दिव्य कथा में प्रवेश करें आरती के साथ। आरती के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर कथा के मुख्य यजमान श्रीमान वैद्यनाथ सिंह जी। कृपा करके सपरिवार मंच पर आरती के लिए पधारें, साथ में
सनातन धर्म संगठन के पदाधिकारी गण भी कृपा करके आरती के लिए मंच पर पधारेंगे। बाकी सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े होकर के संपूर्ण श्रद्धा के साथ आरती में भाग लेंगे। प्रभु के श्री चरणों में अनुराग व्यक्त करते हुए और व्यवस्था को बनाते हुए आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती में भाग लेंगे। आइए श्रीमद् भागवत जी के पवित्र आरती में हम प्रवेश करें। हेलो चेक चेक हेलो 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 चेक चेक हेलो हेलो ओम कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि।
हरि ओम मा यज्ञेन जगमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमानि संतेहनाकं महिमानः सजंद्र यत्र पूर्वे साध्याः शांति देवा श्रीवंति का बगुल जम्बग बाट लाभ पुन्ना गजात करवि रसाल पुष्पे बिल्लव प्रभाव तुलसी दल मंजरी भी पाम्बोज यामी जगदी स्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणी राकालो भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया दंतम गृहाणाम परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़े भाव से बोले जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत दिव्य ज्ञान गंगा का सप्ताह व्यापी आयोजन जिसका कि आज तृतीय दिवस है, अभी हम कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय श्रीमान वैद्यनाथ सिंह जी। सपरिवार कृपा करके मंच पर पधारें। आप इस कथा के मुख्य यजमान हैं, कथा परीक्षित के रूप में आप यहां पर विराजमान हैं। नारायण सेवा संस्थान परिवार की ओर से आप यहाँ पर पधारें, हम आपका स्वागत अभिनंदन करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो मेरा आप श्री से अनुरोध है आदरणीय श्रीमान वैद्यनाथ सिंह जी सपरिवार कृपा करके मंच पर पधारें शीघ्रतापूर्वक। और देखिए मेरा अनुरोध है जोरदार तालियां हमारे वैद्यनाथ सिंह जी के लिए, बाबा वैद्यनाथ जी के लिए आप तालियां बजाएं। इतने सुंदर आयोजन के आप मुख्य यजमान कथा परीक्षित के रूप में आप विराजमान हैं और ये आपका ही परम सौभाग्य है कि संपूर्ण जन समुदाय कथा श्रवण कर रहा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन वंदन स्वागत संपूर्ण परिवार का आप करें, क्योंकि इन्हीं के कर्मों का उदय हुआ है कि हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। आइए इस कथा के पावन उद्देश्य में जो श्रोतागण, जो धार्मिक व्यक्ति, धर्म परायण व्यक्ति, सेवा भावी महानुभाव शामिल हुए हैं, उनका भी साथ ही साथ हम यहां से सम्मान करेंगे। आदरणीय रेखा जी जायसवाल दलसिंह सराय से आप पधारे हैं और आपने दवाई के लिए सहयोग राशि सेवा यज्ञ में अर्पित की है। मेरा नम्र निवेदन अनुरोध है रेखा जी जायसवाल कृपा करके मंच पर पधारें, संस्थान के द्वारा आपका सम्मान किया जाएगा। कृपा करके शीघ्रता पूर्वक मंच पर पधारें। इनके उपरांत आदरणीय श्रीमान नितेश फाइटर जय मां काली ट्रेडर्स साख मोहन, आपकी ओर से बैसाखी का सहयोग दिया गया है, किसी एक दिव्यांग को बैसाखी आपके द्वारा प्रदान की जाएगी। मेरा अनुरोध है नितेश जी फाइटर साहब कृपा करके शीघ्रतापूर्वक मंच पर पधारें। यदि यहाँ पर हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो कृपा करके शीघ्रतापूर्वक नितेश जी फाइटर मंच पर पधारें। और इनके उपरांत मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में ये शुभ काम किया है। श्रीमान प्रसन्नजीत नरवा, आपने अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में एक ऑपरेशन की दिव्य आहुति सेवा यज्ञ में प्रदान की है, एक दिव्यांग को जीवन दान आप प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार आप बजाएं। प्रसेंजित जी नरुआ कृपा करके मंच पर पधारे हैं। आपके द्वारा एक दिव्यांग को जीवन दान मिलेगा। और देखिए कितनी सुंदर बात है, आपने अपने माता पिताजी के पुण्य स्मृति में ये सेवा समर्पित की है। धन्य है ऐसे पुत्र जो कि अपने स्वर्ग में बैठे हुए माता पिता का यहाँ जमीन पर बैठ करके ख्याल रखते हैं। देखिए उनके धर्मों को, कर्मों को आप यहाँ पर बैठ करके बढ़ा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। जोरदार तालियां प्रसेंजित नरवा के लिए। और हम सब इनसे प्रेरणा प्राप्त करें और हम भी इसी प्रकार से जो भी सहयोग बन पड़े आप
प्रदान करें। एक ऑपरेशन, दो ऑपरेशन, पांच ऑपरेशन, दवाई सहयोग, बैसाखी सहयोग, जरूरी नहीं कि हम 50 ऑपरेशन एक साथ करवाएं, हम एक ऑपरेशन भी करवा सकते हैं, हम दवाई के लिए सहयोग भी दे सकते हैं। जैसी सामर्थ्य हमें परमात्मा ने दी है उसका हम सदुपयोग करते हुए सेवा करें। और जिन महानुभावों की सेवा हमें प्राप्त होगी कथा मध्य में, हम उनको यहाँ पर मंच पर बुलवा करके नारायण सेवा संस्थान के द्वारा संस्थान का सम्मान मेवाड़ी पगड़ी और श्रीनाथ जी का उपरणा यहाँ पर प्रदान करेंगे, और साथ ही साथ व्यासपीठ से आपको विशेष आशीर्वाद भी मिलेगा। आइए अधिक समय व्यतीत न करते हुए मैं आपको लिए चलता हूँ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्व विख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता पूज्य जया किशोरी जी के पावन सानिध्य में। हम सब लोग इनके दिव्य चरणारविंदों में अपने हृदय पुष्प को अर्पित करते हुए ये निवेदन करें, ये अनुरोध करें कि तृतीय दिवस की शुभ पुण्यदायिनी कथा का आप अपनी सुमधुर ओजस्वी वाणी के द्वारा शुभारंभ करने की कृपा करें और भक्तों पर कृपा बनाए रखें। मेरे साथ जय घोष लगाएंगे, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भगवान वेद व्यास जी महाराज की। राधे 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 राधे। राधे 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 बोलिए गणेश जी महाराज की जय। सांवरिया सेठ की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। खाटू नरेश की जय। रानी सती दादी की जय। बीराबर जी दादी की जय। बालाजी महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। श्री सुखदेव मुनि महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सांवरिया सेठ की। भक्तवत्सल भगवान की।
राधे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की सांवरिया सेठ की भक्तवत्सल भगवान की। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 राधे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की सांवरिया सेठ की भक्तवत्सल भगवान की। राधे 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 राधे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। वरे नाम अर्थ संघाना रसाना छंद सामपी मंगला नमच करता वंदेवाणी विनायको नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णा गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारिणी शशि बदन कंज विलोचनी शिर चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित चातकी घनश्याम धन हित मोरनी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सीताराम 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 कहिए जाही विधि राखे राम ताही विधि रही सीता जाही विधि मीठी मीठी तालियों के साथ
सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। विधि विधि तालियां एक साथ। संसार में रहना, परिवार में रहना, धन कमाना, व्यापार करना, ये सब गलत नहीं है, पर इन सब को करने में भगवान को भूल जाना गलत है, भगवान को नहीं मानना गलत है। तो आप संसार में रहिए, परिवार में रहिए, धन कमाइए, सब काम करिए, लेकिन साथ ही साथ एक काम और करिए। क्या?
भगवान कहते हैं मैं तुमको सब कुछ देने को तैयार, धन दौलत नाम शोहरत पद प्रतिष्ठा, लेकिन अगर ये सब मिलने के बाद तुमने अभिमान किया, तुमने इसका गलत उपयोग किया, तो ये चीजें तुम्हारे पास नहीं रही। भगवान कहते हैं क्या किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाही विधि राखे राम ताही भगवान के पास जाते हो तब मांगते हो, जब जाते हो तब मांगते हो, दिन भर मांगते ही रहते हो, तो क्या गलत करते हो? इनसे नहीं तो किससे मांगेंगे? एक बात बताइए, एक बच्चा है, उसके माँ बाप है घर पर, उसके माँ बाप उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं, उसके सारे खर्चे उठाते हैं, उसके सारे खर्चे उठाते हैं, उसके लिए हर काम करते हैं, लेकिन फिर भी जब बच्चे को किसी चीज की दरकार हो और वो पड़ोस वाले से जाकर पैसे मांगे, तो ये अपमानजनक बात किसके लिए है? माता पिता के लिए, उनका नाम खराब होता है। तो ये तो सबके पिता है, परम पिता परमेश्वर है, इसके होते हुए किसी और से मदद मांगोगे, भले ही छोटी से छोटी मदद हो, तो ये अपमानजनक बात किसके लिए है? किसका नाम खराब हुआ? भगवान का। तो वो थोड़ी करना है हमको। तो जितना मांगना है, जब जब मांगना है, जो जो मांगना है, केवल इनसे मांगना। लेकिन मांगने के साथ साथ एक बात की और जोड़ देना, अगर आपको सही लगे तो, क्योंकि कई बार हम ऐसी चीजें मांगते हैं जो हमारे लिए भविष्य में अच्छी नहीं होती, मिलने के बाद समझ में आता है। तो ऐसा ना हो, तो जो मांगना है मांगो, लेकिन अंत में वाक्य जोड़ दो, अगर आपको सही लगे तो।
तो भक्त कहता है क्या, जिंदगी की डोर सो हाथ दीन नाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीन नाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीन नाथ के, महलों में राखे चाहे इन सब बातों का मतलब ये नहीं होता कि सत्य की राह पर चलना या संसार में रहकर भी संसार में नहीं रहना, मतलब ये नहीं कि वैराग्य लेना है, परिवार में रहना है, रिश्ते निभाने हैं, लेकिन हमारे दुखों का असली कारण ही होता है जब हम इन रिश्तों से उम्मीदें बांधते हैं, ये मेरे लिए ऐसा करेगा, ये मेरे लिए इस हद तक जा सकता है, और जब वो व्यक्ति वैसा नहीं करता तो हम दुखी हो जाते हैं, वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हम दुखी हो जाते हैं, किसी से बहुत प्रेम किया वो वापसी में उतना प्रेम नहीं करता है तो दुखी हो जाते हैं, किसी पर बहुत भरोसा कर लेते हैं वो भरोसा तोड़ देता है तो दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए शायद कुछ भक्त कहते हैं कि इस संसार में हर रिश्ता एक ना एक बार तो धोखा देता ही है, सिर्फ एक ही रिश्ता ऐसा है जो धोखा कभी नहीं देता, और वो है, तो भक्त कहते हैं क्या, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, तोड़ दे, नाता एक राम जी से
साधु संग राम रंगे अंग अंग रंगिए जाहि विधि राखे राम ताहि कन्हैया लाल की सांवरिया सेठ की भक्तवत्सल भगवान की। आइए कथा आरंभ करते हैं, पर उससे पहले होमवर्क बताइए, कल कौन कौन सी कथाएं हुई? अपने मन में नहीं बोलना है, जोर से बोलना है, आवाज यहां तक आनी चाहिए। हाँ? थोड़ा जोर से शिव विवाह सबसे आसान पहले बताना, शिव विवाह। चौबीस अवतार, भगवान के 24 अवतार। सती चरित्र और माता अनुसुईया की कथा, वेरी गुड। और हाँ वो हो गया। और यहाँ बताइए बताइए, ध्रुव कथा, वेरी गुड। और एक और कथा बची है, हाँ महाभारत का प्रसंग। और जोर से आवाज इतनी धीरे थोड़ी है, और जोर से। हाँ? गौकर्ण जी की कथा, वेरी गुड। अभी भी बची एक और कथा, एक 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 और कथा जल्दी बताइए। बोलो बोलो, सही नाम आया। हाँ परीक्षित, हाँ राजा परीक्षित की कथा, वाह। आइए तालियां जोरदार सभी के लिए। तो ये सारी कथाएं हमने कल सुनी, हमने ध्रुव चरित्र सुना। अब ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, राजा बैन हुए, राजा बैन बड़े ही पाखंडी राजा हुए। उन्होंने अपने राज्य में जितने भी मंदिर थे उन मंदिरों में से भगवान की मूर्तियां हटवा कर अपनी मूर्ति लगवाई थी। और ऐसा नहीं कि ऐसा करने के बाद वो कह दे कि मैं तो राजा हूं मेरा जो मन में करूं, नहीं, वो इसका तर्क देते। वो कहते कि शास्त्रों में लिखा गया है कि एक राजा के अंदर 6 देवता निवास करते हैं, उस हिसाब से मैं ही भगवान हूं, मुझे पूजो।
प्रजा परेशान हो गई, ऋषि गणों के पास जाती है। ऋषि गण आते हैं, उन्हें समझाते हैं, वो नहीं मानते। तो क्रोध में आकर ऋषि गणों ने उनको भस्म कर दिया। भस्म कर दिया तो प्रजा परेशान हो गई कि अब क्या करें, अब राज सिंहासन पर कौन बैठे। ऋषि गणों ने कहा अगर इतनी चिंता है तो भगवान को ही बुला लेते हैं। उन्होंने कहा इससे अच्छी बात क्या होगी। तो एक लोटे जैसा पात्र मंगाया गया, उसमें जो राजा की राख बचती है वो रखी गई, उसमें दूध डाला गया, मंथन किया गया। मंथन करते 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 उसमें से कौआ उड़कर जाता है। सबने पूछा ये कौन था, बोले ये राजा के पाप थे। फिर मंथन करते 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 उसमें से साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, राजा पृथु के रूप में। भगवान ने राजा पृथु के रूप में अवतार लिया। उन्होंने कई वर्षों तक राज्य संभाला। आगे वंश में भरत नामक राजा हुए, वो कुछ साल राज्य को संभालते हैं, फिर अपने बच्चों को राज्य देकर वो वन की ओर चले जाते हैं। वन में एक बार वे नदी में स्नान कर रहे थे, एक किनारे पर एक मृगों का समूह था। मृग यानी हिरण। तो मृगों का समूह था, कई सारे मृग थे, उसमें से एक मृग मादा भी थी जो गर्भवती थी। अब अचानक शेर की गर्जना होती है, उससे डर के मारे सब छलांग लगाकर दूसरी ओर कूदने लगे। तो उस मृग मादा ने भी छलांग लगाई। छलांग लगाते ही उसके गर्भ से बालक गिर गया। वो बालक पानी में गिर जाता है, पानी में भरत जी है। भरत जी ने बालक को तुरंत पकड़ लिया, पर इस प्रकार गर्भ से बालक गिरने के कारण मृग मादा की मृत्यु हो गई। अब भरत जी के आंखों के सामने ही सब कुछ हुआ। उनको लगा अब इस बच्चे का कौन है, तो वो उसको अपने साथ कुटिया लेकर आ गए और दिन भर अपने पास ही रख दिए, 24 घंटे। अब 24 घंटे किसी के साथ समय बिताएंगे तो मोह पड़ जाना स्वाभाविक है। अब इतना मोह पड़ गया कि वो हर वक्त उस मृग बालक को अपने पास रखते, सोए तो मृग बालक के साथ, उठे तो मृग बालक के साथ, स्नान करे तो मृग बालक के साथ, पूजा करे तो मृग बालक के साथ, भोजन करे तो मृग बालक के साथ, दिन भर उसके साथ रहते। अब यहां पर एक दिन वो पूजा की तैयारी कर रहे थे, वो मृग बालक कुटिया के बाहर खेल रहा था। भरत जी ने सोचा कि कुछ समय बाद जब पूजा की तैयारी हो जाएगी तब उसे अंदर ले आऊंगा, फिर साथ में बैठकर पूजा करेंगे। लेकिन उसी वक्त एक मृगों का समूह आता है, अपने जैसों को देखकर वो उनके साथ चला जाता है। अब यहाँ पूजा की तैयारी खत्म हुई, वो बाहर आते हैं तो मृग बालक तो गायब। बहुत ढूंढते हैं, इधर उधर भागते हैं, पर जंगल में अब कहाँ मिले, जंगल में इंसान ना मिले, जानवर तो दूर की वजह, एक जैसे इतने सारे दिखे, कहीं नहीं मिल रहा। बहुत रो रहे हैं, मेरा मृग बालक कहाँ गया, मेरा मृग बालक कहाँ गया। समय साल बीतते हैं, अंत समय आता है उनका। उस वक्त भी उनके मुख में केवल एक ही नाम है, मेरा मृग बालक कहाँ गया। इतना मोह पड़ गया था उनका। मानते हैं अंत समय में जिसका नाम लो वही योनि प्राप्त होती है, इसलिए अधिकतर समय कहा जाता है कि आप भगवान का नाम लीजिए, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से ही छुटकारा मिल जाए। तो उन्होंने मृग का नाम लिया, उन्हें मृग योनि प्राप्त हुई। पर क्योंकि अपने राज्य काल में उन्होंने इतने पुण्य किए थे कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई, उनको पिछले जन्म का सब याद था, तो वो इस जन्म में भी पूजा पाठ करते, यानी मन ही मन भगवान का नाम जप करते, सही समय पर उठते, स्नान करते, तो दूसरी योनि उनको मनुष्य योनि प्राप्त हुई, एक ब्राह्मण के घर पर। ब्राह्मण की दो स्त्रियां थी, एक से उनको कुछ बालक हुए थे और एक से एक कन्या और एक बालक। वो एक बालक थे भरत जी,
संयोग से इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ता है। कुछ समय बाद माता पिता की मृत्यु हो गई। बड़े भाइयों ने सोचा इसको ज्यादा पढ़ाते नहीं है वरना यह आगे जाकर दिक्कत करेगा। कैसी दिक्कत? अपना हिस्सा मांगेगा। तो उसको पढ़ाया नहीं गया, अनपढ़ रहने दिया गया, घर के काम काज कराने लगे। अब घर वाले कराते सो कराते बाहर वाले भी कराने लगे। बाहर वाले भी अरे भरत जरा ये कर देना, भरत जरा सफाई कर देना, जरा बच्चे को संभालना, जरा सामान उतार देना, जरा बाजार से ये ला देना। वो सब ला देते, किसी से कुछ कहते नहीं। उनके इस भोलेपन को उनकी मूर्खता समझी तो गांव वालों ने मिलकर उनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ माने, जड़ माने मूर्ख, तो उनका नाम रखा जड़ भरत। ये मूर्ख है ये। अब यहाँ भाइयों ने सोचा कि हम तो काम कराते हैं क्योंकि हम घर वाले हैं, ये बाहर वाले तो बिना पैसे दिए काम कराते। पत्नी ने कहा एक काम करो, गांव के बाहर जो खेत है ना हमारा, इसको वहां भेज दो रखवाली के लिए। पति कहता है वहां रोज रोज भोजन कौन पहुंचाएगा, आसपास कुछ नहीं है। अरे बोले एक दो दिन पहुंचाएंगे फिर बंद कर देंगे, अपने आप कोई ना कोई इंतजाम कर लेगा। ठीक है, तो उनको प्रेम से बुलाया गया। भरत, माँ बाप तो रहे नहीं, अब उनके काम तो हमें ही संभालने हैं, तो गांव में जितना भी काम है वो हम सब देख लेते हैं, पर गांव के बाहर हमारा एक खेत भी तो है, उसकी रखवाली कौन करे? तुम जाओ, तुम उस खेत की रखवाली करो, वहीं रहो, हम तुमको भोजन पहुंचा दिया करेंगे। अब भाइयों को पता था कि भरत जी बहुत आज्ञाकारी है, तो उन्होंने कहा और सुनो कुछ भी हो जाए वापस मत आना। भरत जी ने कहा ठीक है, चले गए। एक दो दिन भोजन आता है फिर बंद हो गया। कई दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया है, कई दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया है आराम से। आप इधर देखिए, तो कई दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया है। अब यहां पर उसी खेत के पास एक प्राचीन माता भद्रकाली का मंदिर था। ऐसी अफवाह उड़ रखी थी कि उस मंदिर में अगर किसी की बलि चढ़ा दो तो माता मुंह मांगा वरदान देती है। ऐसा मैंने कहा अफवाह थी, सच नहीं था, क्योंकि कोई भी भगवान किसी बेगुना की बलि चढ़वाकर आपको कोई वरदान नहीं देने वाले। तो ऐसी अफवाह उड़ रखी थी। तो वहां पर डकैतों का एक गिरोह आता है, उन्होंने ये अफवाह सुन रखी थी, तो उसके सरदार ने कहा कि देखो आसपास कोई बैठा होगा, उसकी बलि चढ़ा देंगे और माता से बदले में इतना धन मांगेंगे कि कभी भी डकैती करने की जरूरत ना पड़े। तो आसपास तो एक ही बैठा था, भरत जी। भरत जी को लेकर आते हैं। अब सबसे पहले उनको भोजन दे रहे हैं। बलि चढ़ाने से पहले बहुत स्वागत किया जाता है आपका, तो पहले भोजन दे रहे हैं। अब उनको इतनी भूख लग रही है कि वो दोनों हाथों से खाने लगे, इतने दिन के भूखे हैं। जब तृप्त हो गए तो एक डकैत को अपने पास बुलाया, उन्होंने कहा आज कोई उत्सव इत्यादि है क्या, मुझे इतना अच्छा भोजन दिया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं। उसने कहा नहीं, आज तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। भरत जी ने कहा तो एक काम करो, रोज मेरी बलि चढ़ा दिया करो पर मुझे भोजन दे दिया करो, मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। अब वो डकैत कहे कि कितना मूर्ख है, इसको बलि का मतलब भी नहीं पता। सरदार ने कहा अच्छी बात है, दिक्कत नहीं करेगा,
कोई भी कहानी सुनाकर बलि चढ़ा देंगे इसकी। तो उनको कहा गया कि तुमने सही कहा था, आज एक बहुत बड़ा उत्सव है, आज माता दर्शन देने आने वाली है, तो तुम चलो, हम सब भी मंदिर में ही जा रहे हैं, घुटने पर बैठ जाओ, हाथ जोड़कर आंखें बंद कर कर सर झुका कर बैठो, देखना माता अभी दर्शन देने आएगी। ठीक है, वो घुटने पर बैठ जाते हैं, नेत्र बंद कर लेते हैं, हाथ जोड़कर सर झुकाकर बैठ जाते हैं। वो तलवार निकालता है, मार नहीं लगता है कि उतने में वहां पर साक्षात माता भद्रकाली प्रकट होती है। उन डकैतों के साथ माता का युद्ध होता है, भयानक युद्ध होता है, मानो काली फिर से जो पापी है, जो दैत्य है, जो दुष्ट है, उनका वध करने आई है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो तुते। Thank you.
काली कपालिनी दुर्गा जमा दिवादात्री स्वाहा द्वादा नमोस्तुते। बोलिए काली महाकाली की जय हो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज
माता आती है, भरत जी के सर पर हाथ रखती है, साक्षात माँ सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश करती है। अब ऐसा नहीं कि ज्ञान मिल गया तो वापस अपने भाइयों के पास जा रहे हैं, अपना हिस्सा मांग रहे हैं, नहीं, वो वहीं रहते और जिनको भी उनकी मदद की ज़रूरत होती, उनके ज्ञान की ज़रूरत होती, उनकी सीख की ज़रूरत होती, वो सबकी मदद करते और उन्होंने अपना जीवन वहीं बिताया। इस प्रकार भरत जी की कथा या जड़ भरत की कथा आती है कि जिसका कोई नहीं होता उनके भगवान होते हैं, जिसकी रक्षा कोई नहीं करता उनकी रक्षा भगवान करते हैं। अब यहां पर इसी वंश में आगे जाकर गया नामक राजा हुए, विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, लेकिन एक दिन शिकार खेलने जाते हैं और गलती से हिरण के धोखे में मारा हुआ तीर एक संत को जाकर लग जाता है। मरते मरते वो श्राप देते हुए जाते हैं कि तुम राजा हो पर कार्य तुमने असुरों वाले किए हैं, तो मैं श्राप देता हूं कि तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओ। और जैसे ही उनको श्राप दिया गया, गयासुर का शरीर, क्योंकि जब असुर बन गए तो नाम पड़ा गया नामक राजा, जब असुर बने तो उनका नाम पड़ा गयासुर। उनका शरीर 5 कोस तक फैल गया, क्योंकि भगवान के भक्त थे, भगवान के भक्तों की बुद्धि जल्दी से भ्रष्ट नहीं होती। उन्हें लगा ये रूप देखकर मेरी प्रजा डर जाएगी, तो वो वापस अपने राज्य नहीं गए, वनों में जाकर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए वरदान में, तो जिस चीज का उनको डर था कि लोग मुझे देखकर डरेंगे, उन्होंने ऐसा वरदान मांगा कि मुझे वरदान दीजिए मेरे दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाए, जो मुझे देख ले उसका कल्याण हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब वापस अपने राज्य आते हैं, बात आग की तरह फैलती है, लोगों को पता चलता है कैसी ऐसी बात है। अब यहां पर पापियों की मौज थी, जी भर के जिन्होंने पाप किए हैं, जी भर के गलत काम किए हैं, वो गयासुर के दर्शन करते और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती। भगवान कहते हैं ये तो संतुलन बिगड़ रहा है, ये गलत हो रहा है, और इसमें उसकी क्या गलती, अब हमारी क्या गलती, कोई अगर देख कर चले जाए तो वो क्या कर रहा है, कोई उसके दर्शन कर ले, उसमें गयासुर की क्या गलती। तो भगवान ऐसे तो मार नहीं सकते, भगवान दूसरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। भगवान गयासुर के पास जाते हैं कि गयासुर मुझे एक यज्ञ करना है, कोई पवित्र स्थान चाहिए, ऐसा स्थान जहां आने से जीव का कल्याण हो जाए। भगवान उसको जानते थे, तो भगवान से उसने कहा कि मुझसे ज्यादा पवित्र अभी और क्या होगा, और ऐसे भी उसका शरीर भी 5 कोस तक फैला हुआ था। उसने कहा मुझसे ज्यादा पवित्र और क्या होगा, मेरे दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होता है, मुझ पर यज्ञ करिए। ठीक है, तो उसके वक्ष स्थल पर भगवान ने जो भारी हवन कुंड था वो उसको जोर से रखते हैं, कुछ नहीं होता। यज्ञ इत्यादि आरंभ करते हैं, अग्नि है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। अंत में भगवान ने कहा कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, तुम्हारे कारण संतुलन बिगड़ रहा है, कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। गयासुर ने कहा एक नहीं 2 इच्छाएं हैं, अगर आपने दोनों पूरी कर दी तो मैं अपने प्राणों का दान देता हूं, आपको मारने की जरूरत नहीं। ठीक है, बताओ। पहली इच्छा, ये यज्ञ करते वक्त जितने भी देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं, जब भी कोई धर्म का कार्य होता है तो उस जगह देवी देवता आते हैं,
जब तक वो कार्य संपन्न ना हो जाए। तो यज्ञ भी धर्म का कार्य है। तो उन्होंने कहा कि इस यज्ञ को करते वक्त जितने भी देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं, वो जब तक सूरज चांद रहेंगे मुझ में निवास करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। दूसरी इच्छा, ऐसे तो श्राद्ध इत्यादि करने से मुक्ति मिल जाती है, पर अगर कोई ना कर सके, समर्थ ना हो, तो मेरे धाम में आकर वो बस इतना कह दे कि हे भगवान, मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करिए, तो आप उनके पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। इसीलिए गया जी की इतनी महिमा है, उस स्थान की इतनी महिमा है। भगवान ने दोनों इच्छाएं पूरी की और उसने अपने प्राणों का दान दे दिया। दान किसी भी चीज का हो बहुत महत्व रखता है। सिर्फ धन से दान नहीं होता, तन मन धन से होता है। जो तन की सेवा कर सकते हैं वो वैसे दान करते हैं, जो धन से सेवा कर सकते हैं वो धन देकर दान करते हैं। और मन यानी जब आप जानते हैं आप नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों को प्रेरित करते हैं। तो दान किसी भी तरीके से हो मायने बहुत रखता है। और यही चीजें हैं जो आपके साथ जाती है। धन दौलत इत्यादि कुछ भी साथ नहीं जाता। मैं बार बार एक ही चीज कहती हूं, संसार में रहिए, परिवार में रहिए, व्यापार करिए, खूब धन कमाइए, लेकिन इसके साथ साथ अच्छे कर्म भी करिए, दान करिए, सेवा करिए, लोगों के दूसरों के जीवन में खुशियां लेकर आइए। आप कारण होने चाहिए उनकी खुशियों के, क्योंकि ये अच्छे कर्म आपके साथ जाएंगे। बाकी कुछ साथ, ये सब रिश्तेदार, परिवार, संसार तब तक साथ हैं जब तक आप सुखी हैं। आप दुखी हो तो कोई साथ नहीं। आप उनको एक दुख सुनाओ, अपने चार और सुनाएंगे। तुम इतने दुखी हो, हम उससे ज्यादा दुखी है। एक बार एक सेठ जी थे, बहुत धनवान और बहुत सेवा का कार्य इत्यादि करते। तो सेठ जी ने एक बिल्ली पाल के रखी थी। तो सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया। कोई मर जाता है तो बैठक रखते हैं ना, तो उन्होंने बिल्ली के लिए बैठक रखवाई थी। तो उस बैठक में पूरा गांव आया कि सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया, और सेठ जी मरे तो एक भी नहीं आया। ये संसार है, संसार ऐसा ही है। जब तक आपसे काम है वो आपके हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे, लेकिन जिस दिन उनका काम खत्म हो गया, फिर आप जिए कि मरे उनको कोई लेना देना नहीं आपसे। एक बहुत अच्छी कविता सुनाती हूं आपको, कविता कहिए, गाना कहिए, पुराना है। जब मैंने उस वक्त सुना तब इतना ध्यान नहीं दिया, किसी ने ही नहीं दिया होगा, पर जब आज की स्थिति देखते हैं, आज के लोगों को देखते हैं, उनके स्वार्थ को देखते हैं, तो ऐसा लगता है ये मेरा साथ छोड़ दे सकता है। तो सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। कि सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। कि दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। और आप क्या उम्मीद रखते हैं ऐसे लोगों से? यहां कितने मानते हैं कि भगवान हर जगह है, हर जगह से हमें देख रहा है, हाथ उठाना। कौन कौन मानता है? फिर भी पाप करते हो। जानते हुए वो हर कोने से देख रहा है, फिर भी हम गलत काम करते हैं।
तो देते हैं भगवान को धोखा। ऐसे लोग हैं कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। तो कोई साथ नहीं देने वाला, ये अकेला साथ देता है। हम सब कोशिशें करते हैं बड़े बड़े लोगों से पहचान बनाएं। यहाँ हर व्यक्ति एक जिंदगी में कोशिश करता है कि बड़े बड़े लोगों से पहचान बनाए। क्यों करते हो ऐसे बताइए? सब करते हैं, हम आप सब करते हैं। क्यों करते हैं, कारण क्या है बताइए? खास करके पुरुष वर्ग क्यों करते हैं हम ऐसा बताइए कारण? वरना आजकल जो सगे रिश्ते वही संभले नहीं जाते, नए नए रिश्ते कौन बनाए, लेकिन फिर भी बनाते हैं बाहर वालों से। जोर से कहिए क्यों करते हैं? बताइए। सब ऐसे शांत बैठे जैसे इनको कुछ पता ही नहीं है। आगे अगर कोई काम पड़ा तो वो मदद करेंगे, है ना? कि कोई भी ऐसा काम पड़ता है जहां हम दिक्कत में हैं तो वो हमारी सहायता करेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? देखिए, छोटे मोटी बातों में पैर नहीं कहती, लेकिन जब सच में कोई बड़ा संकट आता है ना, तो ये जो बड़े बड़े व्यक्तियों से पहचान बनाया है, इनमें से एक भी फोन नहीं उठाता। सच्ची बात है कि नहीं? कितने भी पहचान बना लो, जब सच में बड़ा संकट आता है तब एक फोन नहीं उठाता। और तब सहायता कौन करता है? जिससे पहचान बनाने में हम एक मिनट नहीं देते, आखिर में सहायता वो ही करता है। तो असल में जो सबसे बड़ा सेठ है उससे पहचान बनाओ, फिर किसी और से पहचान बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितने अच्छे कर्म कर सकते हो उतने अच्छे कर्म करो, जितना सेवा कर सकते हो उतनी सेवा करो, जितना सहयोग कर सकते हो उतना सहयोग करो, जितना दान कर सकते हो उतना दान करो। पर आपके कारण किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए, वरना भगवान के पास जाकर आंख कैसे मिलाओगे? क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ अपने लिए किया जो किया, सिर्फ खुद की जिंदगी सवारी, बाकियों की बर्बाद करी। भगवान से आंख मिलाने लायक तो होने चाहिए ऊपर जाए तो, क्योंकि अभी तो नहीं है। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि बुढ़ापे में करेंगे बुढ़ापे में करेंगे बुढ़ापे में करेंगे, मुझे उनसे एक प्रश्न करना है। जो बार बार ये कहते पूजा पाठ बुढ़ापे में करेंगे बुढ़ापे में करेंगे, तो आपको पक्का है बुढ़ापा आएगा? पहले ही बुलावा आ गया तो फिर ऊपर जाएंगे भगवान करेंगे क्या अच्छा काम किया, हम कहेंगे आपने करने ही नहीं दिया, जल्दी बुला लिया। तो भगवान कहेंगे कि मैंने कोई पेपर थोड़ी साइन कराया था कि इतने उम्र तक तो नीचे रखूंगा ही। मैं तो बार बार कहता हूं अगले पल क्या हो नहीं पता, अगले पल की खबर नहीं है किसी को कि अगले पल क्या होगा, और तुमने इतनी लंबी प्लानिंग कर ली। तो इसीलिए कोई भी काम भविष्य के लिए मत छोड़िए, जो करना है अभी करो। तो गयासुर की कथा हमें यही सिखाती है
कि दान किसी भी प्रकार का हो बहुत महत्व रखता है। अब यहाँ पर राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि प्रभु मुझे ये बताइए कि ये जो स्वर्ग नरक के बारे में बातें होती है ये सच में है कि सिर्फ कहने को। सुखदेव जी कहते हैं सच में है, स्वर्ग में तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती है, स्वर्ग में तुम तब जाते हो जब तुम पुण्य करते हो, और तुम्हारे पुण्य पाप कैसे हिसाब किया जाता है समय अनुसार। जब ऊपर जाते हैं तो समय होता है कि इतने समय का पुण्य किया इतने समय का पाप किया, उतने समय के लिए तुमको उन जगहों पर रखा जाता है। अच्छा स्वर्ग में क्या होता है? बोले स्वर्ग में तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती है, तुम्हें जो चाहिए वो मिलता है, जो इच्छा चाहते हो वो पूरी कर सकते हो। नरक में क्या होता है? बोले नरक में तुम्हें दंड दिए जाते हैं, क्योंकि नरक एक या दो नहीं कुल 28 नरक लोक है, जैसे पाप करो वैसा दंड मिलता है। उदाहरण कैसे दंड मिल सकते हैं तो आइए मैं आपको उदाहरण देती हूं। मैं सच्चे दंड नहीं बता रही, उदाहरण स्वरूप बता रही हूं, किसी को डराने की इच्छा नहीं है मेरी। तो घर में हम जब थोड़ा धूल बैठ जाए तो साफ करते हैं, उस धूल को साफ करने का कपड़ा है तो उसको साफ कैसे करोगे? उस कपड़े को अगर साफ करना है तो कैसे करोगे? हाँ, झाड़ के ज्यादा से ज्यादा पानी से धो के वो साफ हो जाएगा। अब मान लीजिए पोछे का कपड़ा है, उसको कैसे साफ करेंगे? हाँ, साबुन लगाएंगे, उसमें जो भी रिन इत्यादि होते हैं वो साबुन लगाएंगे, थोड़ा उसको साफ करेंगे, थोड़ा निचोड़ेंगे, तब जाके वो साफ होगा। अब मान लीजिए रसोई घर का कपड़ा है जिसमें तेल की चिकनाई है, उसको कैसे साफ करेंगे? गरम गरम खोलते हुए पानी में डाला जाएगा, कॉस्टिक सोडा इत्यादि डाला जाएगा, खूब कूटनी से पीटा जाएगा, तब जाके वो कपड़ा साफ होगा। तो जैसा कपड़ा वैसी सफाई, जैसा पाप वैसा दंड। अब ये सब सुन के तो राजा परीक्षित बहुत डर गए। राजा परीक्षित कहते कि प्रभु ऐसा हो सकता है कि जीव पाप भी करे और नरक भी ना जाए? नहीं, सुखदेव जी कहते ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अरे बोले कोई तो तरीका होगा, कोई तो तरीका होगा। सुखदेव जी कहते हैं आप पापियों का भी कल्याण चाहते हैं, एक तरीका है, सुनने में बहुत आसान, करना उतना ही कठिन। कौन सा तरीका? अंत समय में अगर मुख से भगवान का नाम ले ले तो वो व्यक्ति नरक नहीं जाता। कितना आसान लग रहा है ना? यहां आधे से ज्यादा सोचेंगे मेरा काम तो हो गया, पर जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। कितनी भी कोशिशें कर लो अंत समय में भगवान का नाम लेना इतना आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है। पहली चीज तो मां सुना है ऐसा, पता तो किसी को नहीं है, तो जब अंत समय आएगा तभी पता चलेगा। तो सुना है कि अत्यंत पीड़ा होती है उस वक्त जब अंत समय आता है, बहुत पीड़ा होती है शरीर में, तो उससे ध्यान नहीं हटता, और उससे अगर ध्यान हट जाए तो ध्यान कहाँ जाता है? पति से मिल लूँ या पत्नी से मिल लूँ, बच्चे से मिल लूँ, उससे मिल लूँ, इससे मिल लूँ, माँ बाप से मिल लूँ, पोते से मिल लूँ, पोती से मिल लूँ, परिवार में ही चीज़ें घूमती रहती, भगवान दूर दूर तक किसी के ख्यालों में नहीं आते, तो काफ़ी मुश्किल है। अब राजा परीक्षित कहते हैं तो प्रभु ऐसा किसी के साथ हुआ है? क्योंकि हम सांसारिक लोग हैं, जब तक प्रूफ ना मिले आपको सच्चा नहीं माना जाता है ना?
सच साबित करने के लिए भी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई है जिसके साथ ये हुआ है। शुकदेव जी कहते हैं कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके एक पुत्र हुआ अजामिल, छोटा सा पुत्र, उसको अच्छे संस्कार दिए। अब वो थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, खेलते खेलते एक बार वन की ओर गया। वन में उसने एक शूद्र दंपत्ति को संभोग करते हुए देख लिया, बच्चा है, बुराई मन में प्रवेश कर गई, वो उम्र नहीं थी देखने की। अब जब एक बुराई आती है ना तो ये एक चुंबक की तरह है, वो अपने भाई बंदों को बुलाई लेती है। तो धीरे धीरे उसमें सारे अवगुण आने लगे, उसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, वो मदिरापान करे, वो नशा करे, वो चोरी करे। पिता की मृत्यु हो गई तो चोरियां डकैतियां बनी, बड़ा महल खड़ा किया, बहुत सी स्त्रियां उसके साथ रहती। उसी गांव में एक बार एक संत 100 वर्षों की तपस्या करके उठते हैं। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि यहाँ किसी ब्राह्मण का घर है क्या? लोगों ने कहा ब्राह्मण तो है पर ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। उन्होंने कहा मुझे क्या करना है, मुझे एक रात बितानी है बस। ठीक है, अब उसका इतना बड़ा महल था, इतने कमरे थे, उसने एक कमरा दे दिया। अब क्योंकि वो सिद्ध ऋषि थे, उन्होंने रात्रि में ही सब कुछ जान लिया, ये कौन है, क्या किया, कैसे क्या हुआ। सुबह उठते हैं, उन्होंने कहा कोई वरदान चाहिए, तुमने मेरी मदद की? कुछ नहीं चाहिए, बोले सब है मेरे पास। ठीक है, तो मेरा एक और काम करोगे? बोले बताइए क्या काम। तुम्हारी पत्नी को अभी 10वां गर्भ है? बोले हाँ है। तो उससे जो बालक होगा उसका नाम नारायण रखना। क्या रखना? नारायण। उसने कहा ठीक है। ऋषि चले गए, कुछ समय बाद बालक होता है, तो जैसा उसने वचन दिया था उसने उस बच्चे का नाम नारायण रखा। अब क्योंकि घर का सबसे छोटा बच्चा है उसमें मोह ज्यादा है, तो अब वो दिन भर उसके मुख में एक ही नाम, नारायण इधर आना, नारायण कहाँ गया, नारायण को खिलाना, नारायण को घुमाना, नारायण को सुलाना, नारायण नारायण नारायण, दिन भर नारायण। समय बीतता है, अंत समय आता है उसका। अब यम के दूत आए उसको लेने के लिए, उसको खींचने लगे तो वो जोर से डर के मारे चिल्लाता है नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। ये सुन के भगवान नींद से उठते हैं, भगवान अपने पार्षदों से कहते जाकर देखो कौन है, मदद करो उसकी। वो जाते हैं, अब भगवान के पार्षदों को देखकर यम के दूत भाग गए। अब यमराज भगवान के पास, उसकी मृत्यु तो टल गई यानी वो नरक नहीं गया। अब यमराज भगवान के पास गए कि प्रभु आपके किसी भक्त का अंत समय होता है, मैं नहीं जाता, पर ऐसे पापी के लिए आपके पार्षद आए। भगवान कहते हैं पापी हो कि पुण्य करने वाला हो, तुम्हें पता है जो अंत समय में मेरा नाम ले ले वो नरक नहीं जाता। अरे यमराज कहे वो आपका नाम नहीं ले रहा था, वो अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा था। भगवान कहे पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर, नाम तो मेरा ही ले रहा था। इसीलिए हमारे जो पूर्वज होते थे, बुजुर्ग होते थे, वो हमारे नाम भगवान के नामों पर रखते थे, क्योंकि पूजा पाठ तो कोई दिन भर नहीं करता लेकिन बच्चों का नाम दिन भर मुख से निकलता रहता है, तो भगवान का नाम निकलता रहता है। और भगवान के तो नाम ऐसे ऐसे हैं कि आपको लगे भी नहीं कि ये तो पुराना हो गया, नए भी ऐसे ऐसे नाम हैं उनके। तो ऐसा नहीं कि कोई नाम है आपको लग रहा है कि भाई नहीं वो पुराने जमाने का, तो नए उनके नामों की कमी है, भगवान के नामों की कोई कमी नहीं है, इतने नाम हैं उनके। आपका नाम आपकी पहचान माना जाता है, उसी से तो आपको पहचाना जाता है। तो नाम ऐसा होना चाहिए जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई मतलब ही नहीं ऐसे कोई नाम है? आजकल ऐसे ही नाम रखे जाते, मतलब ही नहीं होता कुछ।
और देखिए भगवान के भी ये सब तरीके हैं अपने भक्तों को अपने करीब लाने के। एक बात बताइए, ये सब करने की उनको क्या ज़रूरत है? रोना उनकी कमज़ोरी है। भगवान कहते हैं एक बार मुझे रोकर पुकार लो, मैं सारे पाप काट दूंगा। अंत समय मेरा नाम ले लो, मैं नरक नहीं भेजूंगा। ये सब भगवान के तरीके हैं, लालच दे रहे हैं आपको कि उनके पास आओ। बच्चा कई बार होता है ना कि माँ घर के काम काजों की वजह से थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है, तो कोई जो छोटा बच्चा हो उसको थोड़ा डांट देती है या हाथ उठा लेती है तो वो डर जाता है। छोटा बच्चा जो नादान होता है फिर वो आपके पास जल्दी से नहीं आता, डरता है। तो आप क्या करते हो, उसको लालच देते हो, नहीं डांटूंगा, आइसक्रीम खिलाऊंगा, इधर घुमाने लेके जाऊंगा, इधर, तभी वो आपके पास आता है। तो हम सब भी ऐसे ही हैं, थोड़ा सा दुख आया नहीं कि दूर भाग जाते हैं, तो भगवान लालच देते हैं, पाप काट दूंगा, इधर स्वर्ग भेजूंगा, अरे मेरे पास आ तो सही। क्योंकि भगवान कहते हैं मैंने इनको नहीं छोड़ा, इन्होंने मुझे छोड़ा है, वे तो मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को छोड़ सकता हूं क्या? भगवान कहते हैं ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, कि ये जितने हैं ना ये सब मेरे अंश हैं, सब में मेरा अंश है, अपने अंश को कोई त्याग सकता है क्या? तो भगवान कहते हैं इन्होंने मुझे छोड़ा है। तो भगवान को अपना बनकर पुकारो। कई लोगों को लगता है हमने कहां इतने पुण्य किए, हम थोड़ी योग्य है। योग्यता में वो ताकत ही नहीं जो ताकत अपनेपन में है। एक बहुत बड़े सेठ जी है, उनकी कंपनी में एक लड़का काम करता है, पढ़ा लिखा है, मेहनती है, ईमानदार है, अच्छी खासी कमाई है उसकी महीने की, और वहीं सेठ जी का लड़का है इतना अयोग्य कि उसको कोई महीने के 100 रुपये ना दे। लेकिन जब सेठ जी की मृत्यु होती है तो सेठ जी की जो पूरी जायदाद है वो किसके नाम पर जाती है? किसके नाम पर जाती है वो कर्मचारी? बेटे की। क्यों? वो अपना है। तो भगवान अपनाते वक्त ये नहीं देखते कि ये पुण्य करने वाला है, ये पापी है, ये ऐसा है, उनके लिए सब उनके भक्त हैं। तो भगवान को अपना बनकर पुकारो। कौन कौन भगवान को अपना मानते हैं, हाथ उठाना एक बार। तो भगवान से क्या कहोगे? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। और तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तो आइए जो जो मानते हैं तालियों के साथ, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे I'm not afraid.
भक्त के, जैसा मैंने कहा कि भगवान के अलावा कोई भी अपना नहीं है। तुम्हें छोड़ सुनी नंद दुलारे कोई ना मीत हमारो, तुम्हें छोड़ ओ नंद दुलारे कोई ना मीत हमारो, किसके द्वारे जाए पुकारू और ना कोई सहारो, अपना ले हाथ उठाना एकदम लंबे लंबे दुआ कर क्या कहना है, अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम, एक साथ
अच्छा यहाँ कितने ऐसे हैं जिनको अगर ये पता लग जाए कि उनको भगवान अपनाना चाहते हैं, अपनाना माने अपनाना माने राधे राधे माने अपने साथ रखेंगे दिन भर। अगर ऐसा पता लग जाए तो ऐसे कितने हैं जो ये संसार छोड़ सकते हैं? सच्ची में कैसे हाथ उठा रहे हो? तो भक्त कहता है क्या, तेरे कारण सब जग छोड़ा तुम संग नाता कहता है आखिरी आस यही
आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। क्या है आखिरी आस? एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। तो कितनों की आस है एक बार उठाना पूरी पूरी हाथ, तो तालियां जोरदार। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। और उसके बाद आगे की कथा। सभी से निवेदन है शांति से अपने स्थान पर बैठे रहें। बड़े भाव से बोलेंगे जय जय श्री राधे। बड़ी सुंदर दिव्य कथा और पावन हितकारी उपदेश अभी आपने श्रवण किया। आपके इस आनंद के मध्य बाधा उत्पन्न करने का दुस्साहस मैं कर रहा हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन कुछ जरूरी बातें सूचनाएं जो कि आपके साथ साझा हमें करनी होती है, इसके लिए परम आवश्यक है। जिन दानी सज्जनों ने सेवा यज्ञ में सहयोग दिया है, पुण्य रूपी आहुति दी है, पुष्प रूपी आहुति दी है, उनके मैं नाम उद्घोष करने जा रहा हूं। और साथ ही अनुरोध भी है कि अपना नाम सुनकर के कृपा शीघ्रता मंच पर पधारेंगे। कुमारी शशिकला जी मंसूर चक बेगूसराय से आप यहाँ पर पधारे हैं और आपने दवाई के लिए सहयोग राशि सेवा यज्ञ में अर्पित की है। तो मेरा आपसे निवेदन है कृपा करके मंच पर पधारे। तालियों के साथ स्वागत वंदन अभिनंदन आप श्री का। कुमारी शशिकला जी कृपा करके शीघ्रता पूर्वक मंच पर पधारे। इनके उपरांत अंजना देवी जी अजनौन दल सिंह सराय से आप पधारे हैं, आपने भी दवाई सहयोग इस सेवा यज्ञ में अर्पित किया है। कृपा करके शीघ्रता पूर्वक मंच पर पधारने की कृपा करेंगे। नारायण सेवा संस्थान की ओर से आपका सम्मान किया जाएगा। मैंने जिन महानुभावों के नाम अभी अभी उद्घोष किए हैं वे कृपा करके मंच की ओर पधारें, शीघ्रता पूर्वक मंच की ओर पधारने की कृपा करें। इनके उपरांत आज कथा में पधारे हुए हैं श्रीमान सुल्तान सिंह जी, जो कि आपके ग्राम कमराइन के ही हैं। यदि यहाँ पर मौजूद हैं तो सुल्तान सिंह जी कृपा करके मंच पर पधारेंगे। आदरणीय श्रीमान सुल्तान सिंह, उम्र 42 वर्ष है, यहाँ पर हैं तो कृपा करके स्टेज पर आएं। आदरणीय सुल्तान सिंह जी, नहीं इनका नाम सुल्तान सिंह जी ही है, सुल्तान सिंह नहीं है। आइए, ये वो व्यक्ति हैं जो एक बार नारायण सेवा संस्थान में जा चुके हैं, सेवा भी इन्होंने प्राप्त की है। देखिए, ये कहीं दूर से नहीं आए, कहीं बाहर से नहीं आए, इसी धरती के इसी गांव के कमराइन के रहने वाले हैं। और परमात्मा की मार पड़ी, अपने पता नहीं कौन से कर्मों का उदय हुआ कि 2015 में किसी दुर्घटना में इनका एक पैर कट गया।
देखिए आपके समक्ष हैं, जरा कैमरा इनकी तरफ घुमाने की कृपा करेंगे। भैया जरा दिखाएंगे एक बार अपना पैर। ये 2015 में इनका पांव कट गया था और नारायण सेवा संस्थान में ये गए, वहां पर क्या हुआ आप इन्हीं से सुन लीजिएगा। लीजिए, हम नारायण सेवा संस्था में गए 17 में गए, वहाँ खाने पीने का रहने सहने का पूर्ण व्यवस्था, कपड़ा साबुन तेल गाड़ी घोड़ा सारा व्यवस्था दिए, जितना दूरी हमारा घर है उतना रास्ता खर्चा खाना पीना मिला, सभी चीज में बैसाखी लेना है रिक्शा लेना है जो सेवा आपको लेना चाहिए सारा चीज मिल रहा है वहाँ पे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताइए सुल्तान जी, ये पाँव आपने वहीं से लगवाया? सर वहीं से। तो खर्चा लगा होगा आपका? जी नहीं सर, कोई खर्चा नहीं, नारायण सेवा के संस्था के तरफ से मिला। आप सच कह रहे हैं? सर सच कह रहे हैं। देखिए सुल्तान सिंह जी को 2017 में नकली पैर बना के दिया, आज पांव न होते हुए भी ये चल करके यहाँ पर आए हैं, और इस समय जो पांव 2017 में इनको लगा था उस पांव की हालत खराब हो गई है, अब ये पांव बदलने की स्थिति में आ गया है, ये यहाँ पर पधारे हैं, तो इनका पैर इस समय बड़ा विशेष आयोजन हरिद्वार में महाकुंभ के दौरान चल रहा है और वहां पर नकली अंग प्रदान किए जा रहे हैं। मैं रोज आपको बताता हूँ, सुल्तान जी को हम हरिद्वार भेजेंगे और वहाँ बहुत ही अत्याधुनिक इससे भी बढ़िया पैर इनको वहां पर लगेगा, अभी तो चल करके आए हैं, मेरा दावा है ये दौड़ करके आएंगे उसके बाद में। तो देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये आपके गांव के ही हैं, कहीं बाहर के नहीं हैं, सब जगह हम सेवाएं नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से करते हैं। हम लोग पूज्य जया जी और भी अनेकों संत इस प्रकार से कथाओं के माध्यम से यदि आपसे आग्रह करते हैं तो क्या कोई गलत काम करते हैं क्या? एक बार आप जवाब दीजिए, कोई गलत काम नहीं है, आप इसमें सहयोग करें। और सुल्तान जी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस समय लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता है। आज यदि ये पांव नारायण सेवा संस्थान में फ्री में मिलता है ये सौभाग्य की बात है, लेकिन यदि कहीं बाजार में किसी हॉस्पिटल में लगवाने जाएं तो 50,000 से 60,000 रुपए का खर्चा आता है, बहुत बड़ी राशि होती है, दे नहीं पाते हैं लोग, और बिल्कुल निशुल्क मिलता है। आपको सौभाग्य यदि प्राप्त करना हो तो केवल 5,000 रुपए आपको दान करने होंगे, और किसी व्यक्ति को जीवन दान मिल सकता है, उसका खोया हुआ अंग हाथ या पांव वापस मिल सकता है, तो इस सेवा में आप अवश्य आगे आएं। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे सुल्तान जी को और परम श्रद्धेया जया किशोरी जी से मैं अनुरोध करूंगा व्यासपीठ से विशेष आशीर्वाद इन्हें आप प्रदान करें। आइए इन सेवाओं से जुड़ने के लिए आप काउंटर पर संपर्क करें, और काउंटर पर संपर्क करते हुए जितनी भी सेवाएं हैं जितने भी सेवा के प्रकल्प हैं आप सबकी जानकारी प्राप्त करें। कुंभ में इस समय कृत्रिम अंग वितरण शिविर चल रहा है, नकली हाथ पैर लगाए जा रहे हैं, संतों की रसोई भोजन प्रसादी वहां पर निर्माण करके उनको वितरित की जा रही है, आप कुंभ के दौरान घर बैठे ये लाभ ले सकते हैं, इन सेवाओं में आप भाग लीजिए और पुण्य कमाइए। तो आइए अधिक समय न व्यतीत करते हुए पुनः चलते हैं परम पूज्य परम श्रद्धेया जया किशोरी जी के पावन सानिध्य में, और ये आग्रह करते हैं कि कथा प्रवाह जारी करने की कृपा करें और भक्तों पर कृपा बनाए रखें। मेरे साथ जय घोष लगाएंगे, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वेद व्यास भगवान महाराज की। आइए सभी बैठ जाएं जो खड़े हुए हैं, निवेदन है, सभी भक्तों से निवेदन है अपने स्थान पर बैठ जाएं, कोई भी खड़े ना रहे, अपने स्थान पर बैठ जाएं। तो महाराज अब यहां पर आगे कथा आती है दक्ष राजा की कथा। दक्ष राजा पर्वतों पर जाकर तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी को मनाते हैं, ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, दर्शन देते हैं, पूछते हैं वरदान में क्या चाहिए,
दक्ष राजा ने कहा, मुझे वरदान दीजिए कि मैं जितनी संतानें चाहूं उतनी संतानें प्रकट कर सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। उनको ऐसे भी रचना का कार्य आगे बढ़ाना था, तो उन्होंने कहा दूसरों से ही मदद मिल जाएगी। तो यहां दक्ष राजा ने पहले 10,000 संतान उत्पन्न किए, और संतान माने 10,000 लड़के। उनसे कहा तपस्या करो, उसके बाद गृहस्थ का पालन करना। ठीक है, वो जाते हैं। अब एक साथ 10,000 लोग कहीं जा रहे हैं, नारद जी देखते हैं। नारद जी कहे, ये कहाँ जा रहा है जुलूस? नारद जी ने उनको रोका, कौन हो? बोले, हम दक्ष राजा की संतानें हैं, कहाँ जा रहे हो? तपस्या करने जा रहे हैं, उसके बाद गृहस्थ का पालन करेंगे। नारद जी कहते हैं, सोना पहनने के बाद भी कोई पीतल पहनता है? अब बोले, हमको यही करने को कहा गया है। नारद जी ने कहा, नहीं, मैं एक प्रश्न करता हूं, अगर उस प्रश्न का सही उत्तर दिया तब तो तुमको जो मन वो करो, अगर गलत उत्तर दिया तो तपस्या ही करना। ठीक है, प्रश्न क्या है? बोले, ये जो पृथ्वी है इसका आदि कहां से है और अंत कहां पे? शुरुआत कहां पे है और अंत कहां पर? कहां पर है बताइए? पृथ्वी गोल है, हर जगह से ही शुरुआत है, हर जगह से अंत है। उन्होंने कहा, नहीं पता। बोले, नहीं पता तपस्या करो। दक्ष राजा को गुस्सा आता है, पर ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, क्या कहें इनसे। ठीक है, वो फिर 1,000 संतानों की रचना करते हैं, फिर लड़के। उनसे कहा, जाकर तपस्या करो, फिर गृहस्थ का पालन करना। नारद जी फिर मिलते हैं। नारद जी ने कहाँ जा रहे हो? बोले, तपस्या करने और फिर गृहस्थ का पालन करेंगे। बोले, नहीं, पहले प्रश्न का उत्तर दो। वो भी नहीं दे पाते तो बोले, जाओ तपस्या करो। दक्ष राजा क्रोधित हो उठते हैं। क्रोध में आकर उन्होंने नारद जी को श्राप दिया कि आपको हर जगह जाकर बात बिगाड़ने की आदत है ना, मैं श्राप देता हूं कि आप एक घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं पाएंगे। एक घड़ी माने? एक घड़ी मतलब? हाँ, एक पल नहीं। एक पल होता तो नारद जी की कहानी आगे थोड़ी बढ़ती, वो तो करते रहे अपनी कहानियां। पहले समय घड़ी के हिसाब से चलता था, पहले समय घड़ी के हिसाब से चलता था। तो एक घड़ी माने आज के 24 मिनट। कितने? तो 24 मिनट माने एक घड़ी। पहले एक घड़ी, दो घड़ी, ऐसे समय चलता था। तो 24 मिनट, नारद जी ने कहा, उतना मेरे लिए बहुत है, इससे ज्यादा मैं खुद कहीं रुक नहीं सकता, मेरे लिए अच्छा नहीं है। फिर नारद जी ने मगर उन्हें समझाते हुए कहा कि आपने बिना सोचे समझे श्राप दे दिया, आपको पता है मैंने ये सब काम क्यों किया? बोले, क्यों किया? बोले, आपने 10,000 लड़कों की रचना की, 1,000 लड़कों की रचना की, इतनी लड़कियां हैं, अभी रचनाएं हुई है उतनी? वो कहते हैं, नहीं। बोले, फिर तो उनको गृहस्थ का पालन करने बोल रहे थे, कैसे करते वो गृहस्थ? फिर पाप बढ़ता क्योंकि लड़कियां कम है, वो आपस में झगड़ते, अन्याय होता, तब उनको अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन श्राप तो दे दिया, उसको तो नहीं टाल सकते। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले समझिए, कोई कुछ कर रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है। कोई भी व्यक्ति बिना कारण के चीजें थोड़ी करता है, उसका कारण जानने की कोशिश करिए कि उसने ऐसा क्यों किया, तब उस पर क्रोध करिए, या तब उस पर आप जो भी सोच रहे हैं वो बात करिए। लेकिन पहले सामने वाले का कारण तो जानिए। उसकी हम दुनिया में हर कोई कोई ना कोई जंग लड़ रहा है,
दुनिया में हर कोई कोई ना कोई जंग लड़ रहा है, हमें पता नहीं है, हमें किसी की कहानी नहीं पता, कौन क्या कर रहा है, किसके घर में कैसा दुख है। तो किसी को कुछ कहने से पहले सोच लीजिए, आपको क्या पता आपकी बातें उसके दुख को और बढ़ा दे, क्योंकि सामने तो सब हंसते हैं, घर के अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, दिमाग के अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। तो इसीलिए किसी को कुछ भी कहने से पहले सोचिए। अब उनको तो श्राप दे दिया, लेकिन फिर अपनी गलती मान के दक्ष राजा ने 60,000 कन्याओं की रचना की पहले। तो ऐसे उनकी रचना का कार्य आगे बढ़ता रहा। अब यहां पर एक प्रसंग आता है कि नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से जाकर कहा कि आपने तो सारे वेद उपनिषद पुराण सब कुछ पढ़ लिए हैं। बोले सब पढ़ लिए हैं। तो बोले मुझे ये बताइए, ऐसा कोई भी एक इन सब वेद पुराण उपनिषद सब में से कोई एक ऐसा श्लोक, एक ऐसी स्तुति या एक ऐसा स्तोत्र जिससे भगवान मिल जाए, सबसे जो शक्तिशाली हो, सबसे जल्दी असर दिखाए। ब्रह्मा जी कहते ठीक है, लिखो एक ऐसा श्लोक, एक ऐसी स्तुति, एक ऐसा मंत्र जो भगवान से मिला सकता है। नारद जी को लगा कोई बहुत कठिन होगा, वो सब कलम इत्यादि लेकर ब्रह्मा जी कहते हैं हरे राम हरे रामा, रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नारद जी कहे ये तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान को भी कोई भी प्राप्त कर सकता है। भगवान के लिए ऐसा नहीं है कि यही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है या ऐसा कर्म किया हुआ व्यक्ति, भगवान का नाम जप करने वाला हर व्यक्ति उनको प्राप्त कर सकता है। और भगवान का नाम कभी सरल साधारण हो ही नहीं सकता, उनके नाम में ही तो सब कुछ है। एक बात बताइए, राम नाम महादेव जी इसी नाम का जप करते हैं कि नहीं? महादेव जी इसी नाम का जप करते हैं, उनको भी वही नाम मिला, हमको भी वही नाम। अब हम में महादेव जी में कोई बराबरी है क्या? वो कहां देवों के देव महादेव, हम कहां साधारण से मनुष्य, कभी कीड़े बन रहे हैं, कभी मनुष्य बन रहे हैं, कभी जानवर बन रहे हैं, हमारे तो जन्म का तो पता नहीं ढंग से। लेकिन उनको भी वही नाम मिला, हमको भी वही नाम मिला, इसका मतलब वो नाम साधारण नहीं है। कहते हैं ना कि उस नाम में कितनी ताकत है, उस भगवान में कितनी ताकत है। जब भगवान, आप कल इस प्रसंग को सुनेंगे, 52 अवतार भगवान ने लिया था, सबको पता है, पता है कि नहीं? बटुक रूप लेते भगवान 52 अवतार। तो उस अवतार में भगवान अपना आकार बढ़ाते हैं, यानी अपना आकार इतना बढ़ाते हैं कि भगवान ब्रह्मांड तक चले जाते हैं। और भगवान के हाथ में एक लकड़ी का दंड होता है साधारण सा। तो भगवान जब छोटे बटुक रूप लेते तब वो लकड़ी का दंड हाथ में रहता है, लेकिन जब भगवान आकार बढ़ाते हैं तो भगवान के साथ साथ वो दंड भी बढ़ता है, वो भी ब्रह्मांड तक चला गया। अब उस दंड ने ऐसा कौन सा खास काम किया था कि वो ब्रह्मांड की सैर करे? लेकिन वो हाथ में किसके था? तो इसीलिए कहते हैं कि बड़ सैया बड़ होत है ज्यो वामन बुझ दंड। आपकी संगत बताती है कि आप कितने ऊंचे जाएंगे। बड़ सैया बड़ होत है जीव वामन बुझ दंड, और तुलसी बड़े प्रताप ते दंड गयो ब्रह्मंड। आपकी संगत बताती है कि आप कहां जाएंगे। अगर ब्रह्मांड तक पहुंचना है तो संगत ऐसी होनी चाहिए, और नहीं पहुंचना है तो संगत तो हम फिर। तो भगवान का नाम कभी भी सरल या साधारण नहीं हो सकता। उनके नाम में जितनी ताकत है उतनी ताकत किसी श्लोक, किसी मंत्र, किसी स्तोत्र में नहीं है, जो ताकत उनके नाम में है। आइए हम भी उनका नाम जप करते हैं।
हरे राम हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 एक बार और जोर से हरे राम रामा हरे कृष्णा मीठी मीठी तालियों के साथ हरे राम हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे
तालियां जोरदार एक साथ। हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज भगवान का नाम जितना ले उतना अच्छा है, लेकिन सिर्फ भगवान का नहीं, जैसा मैंने कहा नाम भी लेना है और अच्छे कर्म भी करने हैं, क्योंकि यही कर्म बाकी कोई चीजें साथ नहीं जाती, अच्छे कर्म साथ जाते हैं। एक बात बताइए, हम कहीं भी अगर बाहर घूमने जाते हैं या कहीं शहर जाते हैं दूसरे गांव जाते हैं तो कितनी तैयारियां करते हैं कि नहीं, बड़ी तैयारियां करते हैं, टिकट बनाते हैं, फिर चीज़ें खरीदते हैं। अगर खुद घूमने जा रहे हैं तब तो अपने लिए खरीदते हैं कपड़े, अगर किसी और के घर जा रहे हैं तो खुद के लिए भी उसके लिए भी, तो जब जाना हो तब तैयारियां की जाती है, पैकिंग की जाती है, खाने का सामान रखा जाता है, पानी की बोतलें रखी जाती है। और ये घूमने कितने दिन के लिए जा रहे होते, 4 से 5 दिन है ना, कितनी तैयारी 4 से 5 दिन के लिए। ऊपर जाने की तैयारी कितनों ने की है, ऊपर जाने की तैयारी कितनों ने की है, वहां पे ये ट्रेन की टिकटें फ्लाइट की टिकटें काम नहीं आती, वहां पुण्य की टिकट काम आती है, अच्छे कर्मों की टिकट काम आती है। ऊपर जाएंगे भगवान कहेंगे अच्छे कर्म किए हैं, बोले हाँ, बोले जाओ स्वर्ग, नहीं किए जाओ नरक। कहते ना कितना भी धन कमा ले कितना भी कुछ कर ले, जब अंत समय आएगा तब पूरी जायदाद भी देकर ये कहोगे कि 1 सेकंड दे दो ज्यादा, 1 सेकंड उतना भी नहीं मिलेगा। तो देखा जाए तो कैसा काम कर रहे हैं, इतना कुछ करने के बाद भी जब 1 सेकंड इतना सा समय चाहिए तो वो, तो जो समय है कहते ना समय ज्यादा नहीं है, ऊपर से लिखा के लाए हैं कितने समय तक रहना है, कब बुलावा आ जाए पता नहीं, तो बुलावा आने से पहले इतने अच्छे कर्म कर लो कि अंत में ये ना रहे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। और उनमें से एक है भगवान का नाम जप, जितना हो सके उतना करो, जब जब हो सके तब तब करो। अब महाराज अब चलते हैं उस कथा की ओर, आज का विशेष आकर्षण। अभी हम सुनेंगे दिति के वंश में, मैंने इसके वंश इनके वंश के बारे में आपको कल बताया था, दिति के कितने पुत्र हुए, हाँ आप सब कौन सी कथा सुने कल, दिति के कितने पुत्र हुए, शर्म करिए, वो छोटे छोटे बच्चे उनकी उम्र देखिए आप, 2 पुत्र हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु, 4 जबरदस्ती 4। तो उनके 2 पुत्र हुए हिरणाक्ष और
हिरण्यकश्यपु, हिरणाक्ष का वध भगवान ने वराह अवतार में किया। वराह अवतार के दर्शन किए थे हमने, तो उस समय भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया। अब भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यपु इंतजार कर रहा है। उनका विवाह कयाधु नामक कन्या से हुआ, जिनसे उनको पुत्र हुआ प्रहलाद। छोटा सा बालक, उसको बचपन से सिखाया गया भगवान यानी तुम्हारे पिता राजा हिरण्यकश्यपु, तो उसके ध्यान में भी यही था कि भगवान यानी मेरे पिता, वो अपने पिता को ही भगवान मानता था। अब यहां पर क्योंकि भगवान से युद्ध करना है तो शक्ति तो चाहिए, वरदान चाहिए, कुछ ना कुछ हटके होना चाहिए, तभी भगवान से लड़ पाएगा वो। तो वो तपस्या करने जाता है, पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने जा रहा हूं, कब आऊंगा पता नहीं। ठीक है, जाते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। पेड़ पे एक तोता बैठा था। वो जैसे ही तपस्या करने के लिए बैठता है कि उस सुवे ने आवाज दी, नारायण नारायण नारायण, कहीं से सुन रखा होगा उसने। ये सुनते ही हिरण्यकश्यपु ने कहा, आज का दिन ही खराब है, तपस्या करने बैठा कि शत्रु का नाम आ गया, आज नहीं करेंगे। वो घर वापस आ गया, घर आ गया तो पत्नी ने कहा कि आप तो तपस्या करने गए थे, इतनी जल्दी लौट आए। उसने कहा मैं गया तो था, पेड़ के नीचे बैठा था, पेड़ पे एक सुवा यानी तोता बैठा था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण, इसीलिए मैं लौट आया। अब अच्छा ये बात है कि उन्होंने कभी भी इतने प्रेम से भगवान का नाम लिया नहीं, वो हमेशा कहते थे शत्रु शत्रु मेरा दुश्मन। पहली बार उसने नारायण नारायण नारायण। अब पत्नी सोचे कि मैं इनके मुख से 108 नाम निकलवा लूं, तो एक माला हो गई। जिसने जिंदगी में कभी भगवान का नाम तक ढंग से नहीं लिया, वो एक माला कर ले बहुत बड़ी बात है। वो कहे सोचे मैं क्या करूं मैं क्या करूं, तो हर थोड़ी देर में आए और आकर पूछे प्रभु आजकल कुछ याद नहीं रहता, आप तो तपस्या करने गए थे, वापस कैसे लौट आए। अरे वो कहे मैंने बताया ना, मैं गया था, पेड़ पर एक तोता बैठा था, उसने कहा नारायण 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 6 बार। पूरे दिन में ऐसे ही करते 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 105 नाम कहलवा लेती है वो पूरे दिन में। अब बचे कितने और, अब उसको डर लग रहा है क्योंकि इतने बार वो नाम ले चुके हैं कि अब उसको लग रहा है कि पता नहीं मुझे कितनी तेज डांट पड़ने वाली है। तो वो दूध का ग्लास लेकर आती है, कोने में रख के दूर दरवाजे पे जाकर खड़ी हो गई। स्वामी सच्ची में ये बच्चों ने इतना परेशान कर दिया है कि आजकल दिमाग में कोई बात ठहरती नहीं है, आखिरी बार पूछती हूँ, आप तो तपस्या करने गए थे, वापस कैसे लो। अब वो जोर से क्रोध में आकर कहता है मैंने कहा ना, मैं गया पेड़ पर एक सुवा बैठा था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण। हो गए 108, उसने कहा मेरा काम हो गया, अब बाकी की कृपा भगवान खुद कर देंगे। अब यहाँ पर वो दूसरे दिन फिर तपस्या करने जाता है, काफी समय तक तप करता है। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए वरदान में, उसने कहा मुझे अमरता का दान दीजिए यानी मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे हाथ में नहीं, अमरता का दान केवल भगवान विष्णु दे सकते हैं, कुछ और मांग लो। उसने कहा ठीक है, मैंने इतना तप किया और आपने मेरे वरदान को मना कर दिया, तो अब मैं जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा, मांगो क्या चाहिए। तो वो कहता है 12 महीने होते हैं, किसी महीने में ना मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं,
ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से भी ना मर। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब देखा जाए तो ये अमरता का ही वरदान है। जब कोई समय, कोई व्यक्ति कुछ भी उसे नहीं मार सकता तो वो मरेगा कैसे? अब उसे लग रहा है कि मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। घर वापस आ गया। यहाँ पर प्रहलाद जी एक दिन खेलते खेलते राजमहल से बाहर चले गए तो उनको एक कुमारिन का घर मिलता है। कुमारिन रो रही थी। प्रहलाद जी ने पूछा क्या हुआ है? उसने कहा मैंने बिल्ली के दो बच्चे पाले थे, अब मुझे पता नहीं वो कब इस मिट्टी के पात्र में जाकर बैठ गए और मैंने इसको आग पे चढ़ा दिया, अब वो जल गए हैं, तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि उनको जीवन दान दे। प्रहलाद जी कहते इसमें इतने रोने की क्या बात है, मुझसे कह दो, मैं भगवान से कह आता हूँ। उसने कहा राजकुमार आप भगवान को जानते हैं? अरे जानता हूँ, मैं उनके साथ रहता हूँ, मेरे पिता तो भगवान हैं। कुमारिन कहती है वो कोई भगवान नहीं, अपने आप को भगवान कह लेने से कोई भगवान नहीं बन जाता, भगवान तो परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु है। अब कौन सा बेटा अपने पिता के खिलाफ कुछ सुनेगा? प्रहलाद जी ने तलवार निकाली। प्रहलाद जी कहते मैं अपने भगवान को दिखा सकता हूँ, तुम्हारे भगवान है तो सामने आने को कहो, ये सब लीला है भगवान की, वरना भगवान दर्शन देने कैसे आए, वो भगवान के भक्त कैसे बने। अब वो कुमारिन रोकर भगवान को पुकारती है और वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। विराट रूप में दर्शन देते हैं भगवान प्रहलाद जी को। उनके हाथ से तलवार छूट जाती है, इतना सुंदर रूप है भगवान का। और उसके बाद जो धुन लगती है उनको भगवान की, वो अंत तक खत्म नहीं होती। अब वो अपने राजमहल जा रहे हैं भगवान का नाम जप करते हुए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि तेरी श्रीमन नारायण नारायण हरि। प्रवेश करते हैं वो ये नाम जप करते हुए। हिरण्यकश्यपु तक आवाज जाती है, वो कहे कौन है जो मेरे राज्य में मेरे ही शत्रु का नाम ले रहा है। सेवकों ने कहा कि वो राजकुमार प्रहलाद है, उसको अपने पास बुलाते हैं, अपनी गोद में बिठाते हैं। अरे किसका नाम ले रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, मैंने तुमको बताया ना भगवान यानी तुम्हारे पिता राजा हिरण्यकश्यपु। प्रहलाद जी कहते हैं नहीं, हम और आप तो साधारण से मनुष्य हैं, भगवान तो वो परम पिता परमेश्वर है, भगवान विष्णु है। मुझे दुख है मेरा इतना समय निकल गया और मैं भगवान के बारे में जानता भी नहीं था। अब यहाँ पर जब वो मानते नहीं हैं तो हिरण्यकश्यपु गुरु जी को बुलाते हैं। गुरु जी कौन? ये जो राक्षसों के बच्चे होते थे उनको जो शिक्षा देते थे, यानी राक्षसी विद्या सिखाते थे, राक्षस दैत्य बनना सिखाते थे, उनको बुलाया गया। राजा ने कहा प्रहलाद को सिखाओ कि भगवान यानी उसके पिता कोई विष्णु नहीं। ठीक है, गुरुजी लेकर जाते हैं। अब कई बच्चे बैठे हैं वहां पर। गुरुजी ने कहा कहो
हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः। प्रहलाद जी कहते नहीं, कहो जय श्री हरि। गुरु जी कहते हम किसी हरि को नहीं जानते। अब जैसे ही उसने कहा हम किसी हरि को नहीं जानते, उनको पीड़ा होने लगती है, पूरा शरीर दुख रहा है, तबीयत बिगड़ती जा रही है, वैद्य को बुलाया जाता है, औषधियां मंगाई जाती है, कुछ नहीं हो रहा। अब उसे लग रहा है कि वैद्य से औषधियों से कुछ नहीं हो रहा तो भगवान से होगा। अब वो बार बार कह रहा है हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः, कुछ नहीं हो रहा। उनकी पीड़ा को देखकर प्रहलाद जी ने कहा एक बार कहिए जय श्री हरि। वो कहे हम हरि को नहीं जानते। हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः। प्रहलाद जी ने कहा मैं कह रहा हूं ना, एक बार कहकर तो देखो, अगर पीड़ा खत्म नहीं हुई तो जीवन में कभी ये नाम मत लेना। अब जब बीमार हो ना, कोई कुछ भी ला कर दे दे कि इससे ठीक हो जाओगे, व्यक्ति ले लेता है। उन्हें लगा कि एक बार नाम लेकर देखते हैं, तो कहने लगता है जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री। अब जैसे जैसे कहे वैसे वैसे उसकी पीड़ा खत्म होती जा रही है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, बिल्कुल ठीक हो गया। अब इतना प्रसन्न हुआ वो, प्रहलाद जी से कहता है कि हमें और बताओ और क्या नाम ले, तुम्हारे भगवान के और कितने नाम हैं, वो कैसे हैं, वो क्या करते हैं, उनके रूप के बारे में बताओ, उनके स्वभाव के बारे में बताओ। तो जहां पर गुरु जी को शिक्षा देनी चाहिए थी वहां प्रहलाद जी शिक्षा दे रहे हैं, प्रहलाद जी भगवान के बारे में बता रहे हैं। एक बात बताइए, अगर मैं आपको एक तरफ कोहिनूर हीरा दे रही हूं और एक तरफ कुछ पत्थर, आप क्या चुनेंगे? कोई भी समझदार हीरा ही चुनेगा, लेकिन असलियत में हम सब पत्थर चुन रहे हैं। प्रहलाद जी कहते मैं ऐसी गलती किसकी के भगवान के इस झंडे को नीचे गिरा दे, पर कोई भी सफल अपना वो अपना हरि है हजार हाथ वाला। तो महाराज अब यहां पर हिरण्यकश्यपु अपने सेवकों को भेजते हैं कि जाकर देखो गुरुकुल में क्या हो रहा है, प्रहलाद सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। सेवकों ने आकर कहा प्रभु वहां तो भजन कीर्तन चल रहे हैं। प्रहलाद जी ने सबको बदल दिया। राजा ने कहा मुझे ऐसा बेटा ही नहीं चाहिए जो मेरा ही नाम खराब करने पर तुला है, उसको ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दो, नदी में फेंक देते हैं, कुछ नहीं हुआ। जलाकर मारने की कोशिश की जाती है, कुछ नहीं हुआ। खोलते हुए गरम तेल में डाला जाता है, कुछ नहीं है। क्यों? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसके सर पर भगवान का हाथ है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। हर तरीके से कोशिश की जा रही है। प्रहलाद जी को सब पता है, कभी जहर दिया जा रहा है, कभी आग लगाई जा रही है, कभी कैसे मारा जा रहा है। प्रहलाद जी अपने पिता से एक ही बात कहते हैं, क्या? हरि बोल।
क्यों है? प्रहलाद जी कहते हैं, जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। प्रहलाद जी कहते हैं कि जब तक वो नहीं चाहता कुछ नहीं होता। अब यहां पर हिरण्यकश्यपु इतने क्रोध में आ गए कि वो बीच सभा में दरबार में लेकर आते हैं उसे। उन्होंने कहा, अब मुझे किसी और पे भरोसा नहीं, मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। अंतिम बार पूछ रहा हूं, बता दे भगवान कौन है, शायद बच जाए। प्रहलाद जी कहते हैं, श्री हरि, केवल श्री हरि। तलवार निकालते हैं, मारने लगते हैं कि बीच में माता कयाधु आ जाती है, उन्हें लग जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। राजा ने कहा, आज तुम्हारे कारण तुम्हारी माता की मृत्यु हो गई। प्रहलाद जी कहते हैं, मृत्यु नहीं हुई, माता तो श्री हरि की हो गई। मुझे भी यहां नहीं रहना, मुझे भी श्री हरि के पास जाना है, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा। ये रोने की बात नहीं है, ये तो और भगवान को मनाने की बात है। अब प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु के सामने भगवान का नाम जप कर रहे हैं। भगवान उसे मारने लगते हैं, तो मारने से पहले भगवान ने कहा कि तेरे मन में कोई शंका ना हो कि मैंने तो ब्रह्मा से वरदान मांगा था, तो मैं तुझे बता दूं कि मैं ब्रह्मा के दिए हुए वरदान के दायरे में रहकर तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं, तो ये 13वां महीना पुरुषोत्तम महीना है। तूने कहा था ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, तो मैं चौखट पे बैठकर तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो मैं शाम के समय तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, तो ना तो मैं नर हूं ना मैं पशु हूं। तूने कहा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो मैं अपने हाथ के नाखूनों से तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, तो मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में नहीं आता। और भगवान अपने हाथ के नाखूनों से चीरते हुए उसे मारते। प्रश्न कल का क्या है? कल हमारे श्रीमद् भागवत, अगर सांसारिक रूप में कहे तो हमारे श्रीमद् भागवत के हीरो आने वाले हैं। कल श्री कृष्ण जन्म है, नंद उत्सव है, तो आप सभी से निवेदन है, कोशिश करें कि सब पीले वस्त्रों में आए, सबके सब खूब सज धज कर भगवान का स्वागत करने के लिए, लेकिन सब पीले वस्त्रों में आए, निवेदन है सभी से। और सब जितने भाई बहन है सब कुर्ता पजामा, कल ये सब पैंट शर्ट नहीं चलेंगे, कल सब कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट वालों को द्वार पे रोक दीजिएगा, फिर जाओ चेंज करके आओ। कल सब कुर्ता पजामा पहन कर आएंगे, भगवान का स्वागत करेंगे, बड़े भाव से बोलेंगे जय जय श्री राधे। कृपया शांति बनाए रखें। कल की कथा कृष्ण जन्म प्रसंग की होगी, तो अभी अभी आपको बताया गया है, तैयार होकर के आएंगे, पीले वस्त्र पहन करके आएंगे। और मेरा आपसे एक नम्र निवेदन है, आप मास्क जरूर पहने, आप में से बहुतों ने मास्क पहना नहीं है, आप मास्क पहन करके आए, ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और मैंने देखा है यहाँ पर मिथिला की माताएं बहुत अच्छी हैं, हर जगह कथा में जाना पड़ता है तो देखने को मिलता है माताएं बहुत अव्यवस्था करती हैं, लेकिन यहाँ मैंने देखा है मिथिला में माताओं की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है, अव्यवस्था नहीं करती हैं, शांतिपूर्वक कथा सुनती हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए आप बचाएंगे माताएं बहने। और देखिए आप बात भी मानती हैं तो हमारी इस बात को भी रखेंगे, कल संपूर्ण तैयारी के साथ आए,
कन्हैया के जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर के आए और नारायण सेवा संस्थान के सेवा यज्ञ में छोटी छोटी आहुति आप जरूर डालें, जिससे कल्याण होगा, सत्कर्मों में वृद्धि होगी और पीड़ित मानवता को संबल मिलेगा, कष्टों से छुटकारा मिलेगा और आपके द्वारा पुण्य अर्जित होगा। कल बड़ा ही सुअवसर है, समय पर आप पधारिएगा। आइए अब लोग आरती में हम प्रवेश करें और आरती में बड़ी ही व्यवस्था के साथ अपने स्थान पर खड़े होकर के आप भाग लेंगे। मंच पर कथा के मुख्य यजमान आदरणीय श्रीमान वैद्यनाथ सिंह जी सपरिवार कृपा करके आरती के लिए मंच पर पधारें। सनातन धर्म संगठन जो कि संपूर्ण कार्यक्रम का कार्यभार अपने कंधों पर लिए हुए हैं, सनातन धर्म संगठन के पदाधिकारी गण भी कृपा करके आरती के लिए आगे पधारें। बाकी सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े रहते हुए प्रभु के श्री चरणों में अनुराग व्यक्त करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए आरती में भाग लेंगे संपूर्ण श्रद्धा के साथ। आइए श्रीमद् भागवत जी की पवित्र आरती में हम प्रवेश करें। ॐ कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप की है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है शांतिकीट पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांतिकीट पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती पापियों को पाप की है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप की है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल तन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर मौन जग संत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही 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 प्रभु की महिमा श्री भागवत
आरती आरती की जय हनुमान लला की सुंदरन रघुनाथ कला की लागे बल से गिर बल कावे पुत्र महाबल के प्रभु सदा सहाई हे बिरा रघुनाथ बनाए लंका जारी सियास दिलाए जगति गोर समुद्र सिखाए जाते पवन सुत मार न लाए लंका जारी असुर तब मारे सिया राम जी के काज सवारे लखन मूर्खित बड़े धरनी बल नायस जीवन प्राण आरती के हनुमान दुष्ट दल मेरा लाल देह लाली लते और उधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कवि सूर शांति रंतर जुगम शांति पृथ्वी शांति रावा शांति रोग रहा शांति ही वनस्पति शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि हरि ओं यज्ञेन जगमय जन्तदेव तानि धर्माणि प्रथमान्य सन् केहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः शांतिदेवा सेवंति का बगुल चंपक पाट लाभ पुन्ना गजात करवि रसाल पुष्पे बिल्लव प्रभाव तुलसी दल मंजरी भी पूजयामि जगदी स्वर में प्रसिद्ध नाना सुगंध पुष्पाणि तथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दंतम गृहाणाम परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले श्री वेद।